हेलो बच्चा लोग, तो जेई एडवांस PYQ हम लोग कर रहे हैं। अब आ गए हैं 2004 के क्वेश्चन में, और 2004 के क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। हर बार ही नहीं बच सकते हैं। तो रिएक्शन एक्स से प्रोडक्ट गया फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर सुनते साथ समझ आना चाहिए कि किस फॉर्मूले की ओर अपन जा रहे हैं। लॉग है ना, या फिर एलएन लिखना है तो एलएन लिख सकते हैं। तो चलिए एलएन लिख लेते हैं। 2.303 अच्छा नहीं लग रहा है तो आर नॉट बाई आर इज इक्वल टू के टी इन 40 मिनट्स। तो देखिए टाइम दिया हुआ है 40 मिनट्स। इन 40 मिनट्स कंसंट्रेशन ऑफ एक्सचेंजेस फ्रॉम इतना टू इतना, बहुत ही अच्छी बात है। तो आर नॉट इज इक्वल टू 0.1, आर इज इक्वल टू मतलब थोड़ी देर बाद फाइनल कंसंट्रेशन 0.025। द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज इतना, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, के इंटू फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन 0.01 to the power 1। तो मतलब के निकालना है, और के निकालने के लिए क्या ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। आर टी पता है, आर नॉट पता है ना, ये रहा आर टी, ये रहा टी पता है, तो के निकल जाएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन के अलावा। 0.1 by 0.025 इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 0 1 0, तो ये गया 100 by 25, तो LN4 आ गया। तो LHS आ रहा है अपना LN4 इज इक्वल टू के इंटू टी। टी कितना है, टी इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से के क्या आ रहा है, LN4 by 40। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे के का वैल्यू। तो ये अपना हो रहा है LN4, और LN4 का वैल्यू क्या होता है, LN4 सबको पता होना चाहिए। ये लिख सकते हैं LN2 square, जो होता है 2 LN2। LN2 होता था 0.693, है ना, 0.69 लगभग, इंटू 2, तो ये लगभग आता था 1.4, कह रहा हूँ 0.7 ले लेते हैं इसको, 0.7 into 2 1.4। ठीक है, तो बेसिकली न्यूमरेटर में 1.4 है, डिनोमिनेटर में अपना 40 है, यहाँ पे अपना 0.01 है। थोड़े से पॉइंट साहब को एडजस्ट कर देते हैं, 2 0 यहाँ से पॉइंट हटा तो एक और 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 14 by 40 आ रहा है, तो 4 से काटना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो है नहीं। 4 into 10, और ये 1 है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 14 है, 4 3 ज़ा 12, 20 बचा, तो 3.5 के अराउंड अपना आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, 3.5, और 1 2 3 4 0, 10 to the power -4, ये आ गया अपना रेट। कौन सा ऑप्शन क्लोजेस्ट दिख रहा है, 3.5 into 10 to the power -4 से, तो दिख रहा है कि 3.47। तो ऐसा क्यों आया हमारा 3.5 3.47 क्यों नहीं आया, क्योंकि अपन यहाँ 0.7 ले लिया और 1.4 कर दिए, और जब ऑप्शन क्लोज ना हो तो अपन ऐसा कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया अपना सी। ठीक, तो यहाँ पे किसी को अगर बी और सी सेम दिख रहा है तो इसको 10 पावर -5 बना लीजिए। तो बेसिकली प्रिंटिंग इश्यूज है, तो एक 10 पावर -5 रहा होगा, जैसे 1.73 में 4 भी है 5 पावर भी है, तो वैसे ही। तो डेटा अपने को पता है कि मैग्नीट्यूड, बस हम लोग को निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा, और पावर तो खैर सेम ही आना है। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा। बाय एवरीबडी।